जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बघेले एजुकेशन में। मेरे साथी मैं आ गया आज फिर से एक और नई वीडियो पे, और आज की इस वीडियो में मैं मेरे साथी क्लास 10th साइंस से चैप्टर 1 के अंतर्गत आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न को बताऊंगा। मेरे साथी इसके पहले लेक्चर पे हमने दो क्वेश्चंस दिया था, और आज के इस लेक्चर पे मैं मेरे साथ ही आपको फिर से दो क्वेश्चंस दूंगा। जैसा कि हमारा टारगेट चल रहा है सर 90 प्लस का, यानी दो दो क्वेश्चंस डेली का, ठीक है सर? तो बिल्कुल आई होप कल के क्वेश्चंस आप लोगों को याद हो ही गया होगा। आज की फिर से हम लोगों ने दो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, और इस दो के बहाने हम आपको चार क्वेश्चंस बता देंगे मेरे साथ ही। मेरे साथ बने रहिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ेगा मेरे साथ ही। ध्यान देखिए, चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। मेरे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है सर संयोजन अभिक्रिया। क्या है भाई? आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया। बेटा संयोजन अभिक्रिया, आप लोग संयोजन का नाम सुनो, संयोग का नाम सुनो। तो बेटा संयोग क्या होता है? संयोग का मतलब होता है जुड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारे पास मार्कर है और ये हमारे पास कैप है, देख रहे हो? हमारे पास दो पदार्थ है, हो गए दो पदार्थ। देखो ये दो ही पदार्थ है ना बेटा, मेरे पास दो पदार्थ है, ये तो मार्कर हो गया, ये उसकी कैप हो गई, हो गई अलग अलग दोनों पदार्थ हुए। अब देखना बच्चों, इस दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो जब दो पदार्थों को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे साथ ही आप देखो मेरे मुझे एक पदार्थ मिला। कितना मिला बच्चों? एक मिला। यानी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़ा जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसे ही हम क्या कह देते हैं मेरे साथी? संयोजन अभिक्रिया। अब इसे थोड़ा सा बोर्ड की ओर देखना, अभी तो मैंने इसको बताया हूं कि यहां पर देखो मेरा दो मार्कर, दो पदार्थ है, एक पहला पदार्थ है, दूसरा पदार्थ था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया मेरे साथी। क्या किया भाई? जोड़ दिया हूं। सेम इसी प्रकार से अभिक्रिया को हम समझते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं मेरे साथी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तब उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे लेता हूं, जैसे मान लेता हूं सी प्लस ओ टू, सी हमारा पहला पदार्थ हो गया, ओ टू दूसरा पदार्थ हुआ, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो मुझे प्राप्त हुआ CO2। ये पहला पदार्थ है, दूसरा पदार्थ जुड़ करके एक यौगिक बना देता है। क्या बनाता है मेरे साथी? यौगिक बनाता है, इसे उत्पाद भी कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो आप लोग फंसना नहीं, ठीक है? तो ठीक मेरे साथी, बन जाएगा संयोजन अभिक्रिया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब बात करता हूं वियोजन। क्या भाई? वियोजन। वियोजन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोग। क्या होता है भाई? वियोग। वियोग का मतलब क्या होता है? जब कोई आपसे जुदा होता है, जब कोई आपसे जुदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोग कहते हैं। समझने की मैं बात करता हूं कि आप लोग मान लो एक GF और एक BF है ना, हम बनाते हैं दो चंडे मुंडे बनाते हैं, ठीक है? ये होगा चंडा मुंडा BF, है ना, ये हो गया चंडा मुंडा BF और ये हो गया चंडा मुंडा GF। मेरे साथ ये BF और GF दोनों साथ में होते हैं, और जब ये दोनों जुदा होते हैं, ये दोनों जुदा होते हैं तो इन दोनों की वियोग होता है। क्या होता है भाई? वियोग होता है। अभी तक तो ये दोनों साथ में थे, है ना, साथ में थे, अब साथ में रहने के बाद दोनों जुदा होते, तो जुदा हो गए मतलब वियोग हो गया। कहने का मतलब कि जब कोई दो से एक बनता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी वियोग कहते हैं। अभी हमारे पास एक पदार्थ था, इसके पहले हमारा यही दो किए थे हमने, देखो अगर इसी को हमने अलग अलग करके जोड़ दिया तो यह हो गया हमारा संयोजन, ठीक है? संयोजन हुआ। अब कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ बना दे। अभी क्या था कि जैसी अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब कि जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, बिल्कुल उसी का उल्टा, अगर एक आपसे बन गया तो दूसरा भी आपसे बन जाएगा, एक सीधा तो एक उल्टा। तो सीधे का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर यौगिक बनाते हैं, इसमें कोई यौगिक टूटकर क्या बनाता है? दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो आप कह सकते हैं
कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में लाइट चली गई, ध्यान से सुनिएगा, उस वाले बल्ब को ऑन करो। हाँ ठीक, जब किसी रासायनिक, ध्यान से सुनना बेटा, लाइट चली गई, टेंशन नहीं लेना है ना, लाइट आती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे साथी, तो वियोजन अभिक्रिया आपसे बन जाएगी, आई होप आप लोगों से बन नहीं जाएगी। आगे की बात करता हूँ मेरे साथी, इसके एग्जाम्पल उदाहरण की बात करता हूँ, तो बिल्कुल इस CO2 को आप इधर ले लो, CO2 इक्वल टू सी प्लस ओ टू, ठीक है सर, या आप किसी भी यौगिक को तोड़ दो, आप किसी भी यौगिक को क्या कर दो भाई, तोड़ दो, है ना। देखो जैसे यहाँ पर CO2 है, CO2 को हमने तोड़ा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना, यानी C प्लस O2 बना। तो देखो पहले वाले में क्या किया हमने, दो पदार्थ को जोड़े हैं, दो पदार्थ को जोड़ दिए हैं, जब दो पदार्थ को जोड़े तो एक नया यौगिक बना, ठीक है, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया बोले। अब क्या करेंगे, कोई यौगिक को हम तोड़ दें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक वियोजित हो जाए, यानी अलग अलग दो पदार्थों में टूट जाए, तब उसे हम मेरे साथी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को संयोजन और वियोजन बन ही गया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है मेरे साथी, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपने स्थान से विस्थापित हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, यानी यहां से वहां, वहां से यहां आ जाए, और डबल डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, द्विविस्थापन मतलब कि दो के द्वारा विस्थापित हो जाए। ठीक है, तो आपको चार क्वेश्चन करा दिया हूं, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जुड़ना, कॉम्बाइन होना, जुड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, वियोजन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो आगे शेयर करें ताकि आप सभी दोस्तों को पता चल सके कि हाँ यार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस मुझे पढ़ाना चाहिए एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।